दाई ये मतलब करी को लगाए रहा है, ये मतलब करी बाबा हमारे। बाबा लगाए रहे हैं। अब समझो यानी कि हमारे दादी जी के ससुर जी ना, ससुर लगाए रहे हैं ना। हाँ, तवे की लकड़ी आ रही। हाँ तवे की लकड़ी आ रही, लगाए रहे हैं। कुछ बना के रखे हुए थे मंडप वंडप जिसे कहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वो बहुत सारे मंडप फोड़ दिए गए हैं लेकिन एक मंडप बचा हुआ है छोटा सा, उसमें रखा करते थे दूध यानी दूध गढ़वा जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे है। दूध यहीं पे बनाया करते थे। और अनाजों की कुटाई जैसे हो गया बाजरा हो गया, और कुछ भी कूटना हो तो इसमें कूटा करते थे। लिए पहले क्या हुआ करता था कि मिट्टी का तेल मिला करता था तो इसमें हम लाया करते थे। और ये इसे क्या कहते हैं आप कमेंट करके बता देना। ये चुकरी है ये वाली, इसमें नमक मिर्चा नमक यानी कि कई सारे देहाती लैंग्वेज में हुआ करती थी। वो मेरा बचपन का जब मैं पैदा हुआ था उसी चारपाई पे लेटा हुआ था। और ये मैं कुछ यादें और हैं मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और मैं अमित कुमार, जैसे कि दोस्तों आपको थंबनेल में देख कर पता चल ही गया होगा कि मैं 1900 ईस्वी का यानी कि 1920-30 का जो घर हो उसी को दिखाने वाला हूँ। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। आज मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जितने भी आपको घर दिख रहे होंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा पुराने घर हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखो दीवारें खड़ी हुई हैं, और अब तो यहाँ पे कोई रहता वहता नहीं है फिलहाल। तो आज के इस घर में दिखाता हूँ कि 90 के दशक मान लीजिए, 90 नहीं 70 मान लीजिए, 70 के दशक में जो घर हुआ करते किस प्रकार हुआ करते थे। चलो मैं एक घर को दिखाने वाला हूँ, मेरा ही घर है, बहुत ही ज़्यादा है पुराना क्योंकि उसमें तो अब कोई रहता नहीं है। लेकिन चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको देखना पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये है कुछ इस प्रकार से घर है, आप देख सकते हैं। ये मेरी दादी हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो मैं दोस्तों आपको अंदर चल करके दिखाता हूँ। पहले के जो दरवाजे हुआ करते बहुत छोटे हुआ करते थे। ये घर गिरा हुआ है, इधर देवी देवताओं की पूजा होती है इस साइड हुआ करती थी, अब शायद नहीं। अब तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पे पहले भोजन बना करता था और हम यहीं पे बैठ के खाया करते थे। और ये है दादी हमारी, दादी है देख, दादी दाई दाई की सुनात कम है। और मैं कुछ बहुत ही कीमती चीज़ें दिखाने वाला हूँ। देखो ये इस चारपाई को आप देखेंगे ना, आप देख लो, ये मेरे बचपन की है, जब मैं छोटा सा था तो इसी में लेटे आया करते थे। देख लो अब तो ये घर टूटने वाला है। मैंने भी सोचा कि चलो कैमरे में कैची कर लेते हैं क्योंकि ये घर टूट ही जाएगा कुछ दिन में। ये किवाड़ी हुआ करती थी, दूध वूध कुछ चीज़ ऐसे रख दिया करते थे। और ये कुछ इस प्रकार है। और पहले क्या हुआ करता था कि अनाजों को रखने के लिए कोई टीन सेट या कुछ हुआ नहीं करते थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ बना के रखे हुए थे मंडप वंडप जिसे कहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वो बहुत सारे मंडप फोड़ दिए गए हैं लेकिन एक मंडप बचा हुआ है छोटा सा, उसमें रखा करते थे। और ये घर तो गिरने वाला है, इसी साल गिर जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कैमरे में कैच कर लिया जाए और फिर कभी देखने को अवश्य मिलेगा। देख लो। और ये मटके हैं, इसमें का रखा रह रहा दवाई, अनाज वनाज रखा रह रहा है ना, अनाज वनाज रखा रह रहा है ना, एम अनाज रखा रह रहा है। और ये सीढ़ी हुआ करती थी, पटनाई कहते हैं, पटनाई को ऊपर जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। अब तो ये गिर गया है, नहीं तो और कुछ अच्छा दिखाई देता। देख लीजिए मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है। मेरा घर था, अभी तो नहीं है फिलहाल, हम यहाँ पे नहीं रहते हैं। और ये मेरी दादी इकट्ठा करके रखी हुई है जिसे ऊपरी कहते हैं, कंडा भी कहते हैं, उपावले भी कहते हैं, जिसे गोबर का हुआ करता है। और यहीं पे भोजन बना करते थे और यहीं पे हम बैठ के भोजन किया करते थे। और दूध यानी दूध गढ़वा जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे है, दूध यहीं पे बनाया करते थे। और अनाजों की कुटाई जैसे हो गया बाजरा हो गया, और कुछ भी कूटना हो तो इसमें कूटा करते थे। कुछ इस प्रकार से है।
देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। दाई मलकड़ी को लगाए रहा है ये मलकड़ी? बाबा हमारे बाबा लगाए रहे हैं। अब समझो यानी कि हमारे दादी जी के ससुर जी ना, हाँ। ससुर लगाए रहे हैं ना, हाँ, तब की लकड़ी आ रही है, ससुर ससुर लगाए रहे हैं। बहुत ही ज्यादा प्राचीन, कम से कम आप मान लीजिए कि 100 साल से ऊपर ऊपर हो गया है, तभी ये लकड़ियाँ जर्जर हो गई हैं और टूटने की कगार में आ गई और टूट भी गई हैं। अब ये शायद घर इस वर्ष 2024 से पहले यानी 2023 ही में नहीं बचने वाला है। मैंने भी सोचा चलो मेरा पुराना घर है तो इसको कैमरे में कैच कर ही लिया जाए। देख सकते हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये हमारी दाई, यहाँ पे आता कोई नहीं है फिलहाल, मैं भी नहीं यहाँ पे आता हूँ, दादी आती है हमेशा साफ सफाई करने। और दादी तो कम से कम यहाँ पे भोजन अभी 1 साल पहले भी बना रही थी यहाँ पे, अब तो यहाँ पे मैं भी नहीं आता हूँ ना, मेरे घर वाले आते हैं, कोई नहीं आता है, लेकिन दाई ज़रूर आती हैं क्योंकि दाई का बहुत पुराना घर है। और हमारे यही घर नहीं है, 2-3 जगह यही स्थान पे थे लेकिन और सब भी गिर गए हैं। तब उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, इस बार तो मोबाइल है इसी बार, इसलिए सोचा कि चलो मैं कैमरे में कैची कर लेता हूँ। तो देख ही लिए हैं आपको किस प्रकार से घर है, और ये हमारी दादी हैं। ये पहला एक ऐसा वीडियो होगा जो मैं अपने गार्जियन को यानी कि अपने घर के सदस्यों को इस वीडियो पे दिखाया हूँ। और बस यही था जो मैं सोच रहा था जो आपको दिखाने के लिए। पहले क्या हुआ करता था कि मिट्टी का तेल मिला करता था तो इसमें हम लाया करते थे, और ये इसे क्या कहते हैं आप कमेंट करके बता देना, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, इसे हम अपने लैंग्वेज या अपने भाषा में हम डिब्बी कहा करते थे। और यहाँ पर अनाज रखा रहा करता था, यहाँ पर भोजन बनता था, और ये चुकरी है ये वाली, इसमें नमक मिर्चा नमक यानी कि कई सारे देहाती लैंग्वेज में हुआ करती थी। और यहाँ पे और बहुत सामान था, बहुत सामान तो ढो कर के ले गए हैं, अब तो उतना कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये पटिया वटिया है, और ये दरवाजे देख लीजिए, और वो मेरा बचपन का जब मैं पैदा हुआ था उसी चारपाई पे लेटा हुआ था। और मैं कुछ चीज़ें कुछ यादें और हैं मैं आपको आगे दिखाऊँगा। देखो दाई अभी भी जूझ रही है, पता है कि घर गिर जाएगा लेकिन फिर भी जान जीव जान लड़ाई पर ही है, का मतलब ये है। यही है मेरा घर, पुराना बहुत ही पुराना घर है। वैसे तो वर्तमान में मैं अभी तो 20 साल से ऊपर हूँ, लेकिन आप मान लीजिए कि ये घर 100 से ऊपर ही है। और इस घर में दाई ही जान लगा रखी है क्योंकि हम लोग कहीं आते नहीं हैं, तो मैं आपको दिखा ही दिया हूँ। तो देखो इस कमरिया को उखाड़ने के लिए कह रहे हैं दाई इस वाली को। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दिया हूँ, तो चलो मैं आप बाहर एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो मेरी दादी कितना जुगाड़ करके रखी, देखो टीन और इसमें जाल की बंदर न परेशान करें। पहले बहुत अच्छा लगा करता था, पहले हमारा घर एक इस साइड हुआ करता था, हम वहीं पे लेटा करते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर लग रहा था। यदि मुझे फ़ोटो मिलेगी उस समय की तो मैं यहाँ पे फ़ोटो अवश्य लगा दूंगा। ये जितने भी हैं यहाँ पे बताते हैं कि कम से कम 15-16 परिवार रहा करते थे, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और एक मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, वहाँ पे एक जो क्या कहते हैं करौंदा का पेड़ है, वो मेरी दीदी लगाई हुई थी, नीता दीदी के हाथों से लगाए हुए करौंदा है। तो यही है, देख लीजिए। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कभी चलूँ मैं अपने घर को ही कैप्चर कर लूँ, लेकिन बहुत दिन से समय नहीं मिल रहा था, आज जाके मिला है तो मैं आज आया हूँ और वीडियो शूट करके आपको अपलोड किया हूँ। वैसे तो आपको यूट्यूब इतिहास में बहुत ही कम ऐसे ऐसे घर मिलते होंगे देखने को, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपने दिखा दिया है कि किस प्रकार से बहुत से पुराने के घर कैसे हुआ करते थे। आशा कर दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखा दूं, यहाँ पे हम जब छोटे हुआ करते थे तो जब भी हमारी माताएं या फिर दादी जब पानी लाया करती थी तो रखती कहाँ थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में यानी फिर देहाती लैंग्वेज में हम कहा करते थे, क्या कहते घिनौची, तो ये वही घिनौची है
और यहाँ पे पानी रखा हुआ करता था, और यहाँ एक वृक्ष था उसका नाम याद नहीं है मुझे, और यहाँ पे पानी रखा हुआ करता था। और हम यहाँ पे ये जो छोटी छोटी वो बनी हुई है ना, आपको जो दिख रही होगी चबूतरी जो है ना, तो इसमें मुझे याद है वो फ़ोटो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उतना फ़ोटो का संचार नहीं था। तो यहाँ पे बाबा मेरे और मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाया करते थे, वो क्षण मुझे याद है आज भी, और वो सीन भी मुझे याद है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उस समय ना तो कैमरा था ना ही कुछ था। और एक घर मैं आपको दिखा दूँ जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था, यानी कि आप मान लीजिए कि 2 साल 3 साल का, तो इस घर में बहुत ही ज़्यादा मैं उपद्रव किया करता था। और मेरी एक बुआ थी और उसी के पास आता था, और यहाँ पे पहले भोजन बना करता था, तो मुझे याद नहीं, लेकिन घर वाले कहते थे कि आता था और राख डाल देता था भोजन पे। फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कह रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे करौंदा है हमारे दीदी का लगाया हुआ, तो चलो मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। करौंदा है मेरी दीदी का लगाया हुआ है, नाम है नीता दीदी, कम फड़ा हुआ। बस यही थी यादें, कैसी लगी यादें कमेंट करके उसको बताना। तो आपको वीडियो पसंद आ होगी, वीडियो पसंद आ हो तो ऐसा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना तो लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो यदि आपके मन में ऐसे ही कुछ और ही अटपटे विचार बन रहे हों या वीडियो देखने को, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम एक ऐसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।